सोमवार शाम को माहौल गर्मा गया। बता दें, यहाँ हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान आंदोलन स्तर की ओर लोग बढ़ने लगे। बता दें, लोगों में लखबीर सिंह के परिजन भी थे, जिसे गत 15 अक्टूबर को निहंगों ने बेअदबी का आरोप लगा मौत के घाट उतारा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पहले अलीपुर और फिर नरेला में रोक लिया। तालिबान के राज में विदेशी आर्थिक मदद बंद होने से पहले ही संकट में फंसे अफगानिस्तान अब सूखे की नई मार में फंस गए हैं। बता दें, देश की आधे से ज्यादा आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि भुखमरी से बचने के लिए अफगानिस्तान के गरीब तबके के लोग अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली। 10 पोस्ट के लिए 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इनमें जनरल मैनेजर, डेप्टी मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट शामिल है। 10 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू होंगे। जियोफोन नेक्स्ट की चर्चा जोरों पर। बता दें, इसे दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। फोन की कीमत अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा, ये पक्का है। कंपनी ने एक दिन पहले इसके कुछ फीचर्स की डिटेल भी शेयर की है। हालांकि यूट्यूब पर इस फोन की अनबॉक्सिंग के कई वीडियो सामने आते हैं। इनमें फोन के बारे में सब कुछ बताया जाता है। गुरुवार को पहली बार कानपुर मेट्रो पॉलिटेक्निक डिपो से बाहर निकलेगी। 15 नवंबर से रेलवे की टीम फाइनल ट्रायल शुरू करेगी। इससे पहले मेट्रो खुद मेन ट्रैक पर ट्रायल करना चाहती है, और ये पहला मौका होगा जब कानपुर के लोग खुद मेट्रो को ट्रैक पर चलते हुए देख पाएंगे। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है।